हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एपिसोड 4 ऑफ माफिया 1 डेफिनेटिव एडिशन। उम्मीद है आप और आपके अपने सब करियर से होंगे। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि सैम और पॉली को पिछले एपिसोड में जिन लोगों ने सारा की इज्जत को खराब करने की कोशिश की थी, डॉन ने हमें उन्हें भेजा कि उन्हें जाके सबक सिखा कर और उन्हें पता चले कि डॉन के एरिए के अंदर किसी को तंग नहीं करना। हमने उनकी हड्डियाँ तो तोड़ी लेकिन पॉली ने उन दोनों को गोली मार दी और छोड़ दिया ये समझते हुए कि वो लोग जो हैं मर गए। लेकिन उनमें से एक बंदा मर गया और एक उसका दोस्त जो है वो बच गया। जो मर गया उस वो गवर्नमेंट का अच्छा खासे उसका बाप गवर्नमेंट में है, ये गवर्नमेंट उनकी है। अब हमें उन्हें जाके फिनिश करना है किसी भी तरह। अब जाके ऊपर वैनी को देखते हैं कि ये हमें क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, क्योंकि कहीं कोई भी मिशन कंडक्ट करने से पहले हम इसके पास जाते हैं और चीज़ें कलेक्ट करते हैं। और जी यहाँ पे चीज़ें पिक करते हैं पहले ना। ओह शॉटगन और ये भी पकड़ लेते हैं। नाइफ आई डोंट वांट नाइफ, मे बी आई वांट नाइफ, मे बी आई डोंट वांट नाइफ। ओके लेट्स गेट दिस। ठीक है यहाँ से कुछ एमओ भी पकड़ लेते हैं, बॉम्ब भी पकड़ लेते हैं। नाइस हो गया। क्योंकि मैं कुछ और जगह पे चेक कर लूँ, थोड़ी बहुत एमओ और अगर यहाँ पड़ी हो तो मैं पकड़ लूँ। मजाक करने लगा था लेकिन आज हम मजाक के बिल्कुल मूड में भी नहीं, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई हैं। अच्छा अब हमें जो सिचुएशन टेक केयर करने के लिए ड्रोन ने बोला है, उसने कहा है कि एक लड़की को जिसका नाम मिशेल है उसे मारना है क्योंकि वो हमारी इन्फॉर्मेशन दिया। तो दूसरा ड्रोन मोरेला है उससे जो लीक कर रही है। लेकिन जब उसने वो तस्वीर दिखाई तो सैम जो है वो देख के उसका चेहरा लग रहा था कि उसका कुछ लड़की के साथ तल्लक है। ठीक है जी ऑलराइट, हम बिल्कुल ठीक थे। I will tell you later. First, I have to listen to them. Make her disappear. You know her? Yeah. Okay. I've been with her a few times. She's a good egg, Tom. Just maybe not so bright. She doesn't deserve to get plugged just because she likes listening to me talk. You think she'll leave, Tom? When she understands what'll happen otherwise, yeah, she'll leave. Here's 100. Give it to her. Make sure she gets far away. Okay, sir. I'll see what I can do. That's all I'm asking. Let's go. Brothers for life, huh? ठीक है जब उस तरफ जा रहे हैं। ये लड़की रेस ट्रैक थी। ठीक है जी हम बिल्कुल ठीक थे, हमारी थ्योरी जो है बिल्कुल ठीक थी कि इसका उस लड़की मिशेल के साथ सैम का ताल्लुक है, उसके साथ मिलता जुलता था। उसने कहा कि वो एक अच्छी लड़की है लेकिन हो सकता है कि डॉन मोरेला ने उसे दबाव में लेकर उससे इन्फॉर्मेशन निकाली हो। तो तुम ऐसे करना उसे मारना ना, उसे थोड़े पैसे दे के उसे कहना कि टाउन लीव कर दे। लेकिन टॉम उसे बोलता अगर वो ना लीव करे तो फिर तो सैम ने उसे बोला रिप्लाई करते हुए टॉम को बताया कि अगर उसे पता चला कि उसके साथ क्या होगा अगर वो यहाँ रहेगी तो वो जरूर चली जाएगी। ठीक है जी अब हमने उस लड़के का काम भी खत्म करना है लेकिन उससे पहले हमने वहां जाकर लड़की को भगाना है या उसका काम तमाम करना है ये तो उस होटल जाके ही पता चलेगा। जो तुम लोगों ने काम शुरू किया था सैम बोल रहा है टॉम से कि जो तुम लोगों ने काम शुरू किया था वो तो मुझे जाके अब फिनिश करना पड़ रहा है चर्च में जाके। तो तुमने इसमें कोई जस्टिस देखा, कोई इंसाफ है? तो टॉम बोल रहा है कि मैं तो बहुत प्रोफेशनल हूँ, यानी कि मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। सैम बोल रहा है कि अगर तुम बड़े प्रोफेशनल हो इस दफ़ा अपना काम ध्यान से कर लेना, मतलब पिछली दफ़ा जो काम खराब हुआ है जो रायता पिछली दफ़ा इन्होंने फैलाया वो सैम को साफ करना पड़ रहा है। बेसिकली हम भी साथ ही चल रहे हैं सैफ करने के लिए। क्योंकि सैम बोल रहा है कि बड़े अरसे बाद मैं जा रहा हूँ चर्च, वो भी किसी के फ्यूनरल पे। कह रहा है कि मुझे शादी पे जाना अच्छा लगता है लेकिन फ्यूनरल पे जाना अच्छा नहीं लगता है। I'm so sorry, man. You're saying weddings are not so boring. देखा फिर वही चीज बोल रहा है। हम ऐसे किसी जगह टकरा नहीं सकते गाड़ी। We are the best driver in the town. No, we're not driving like that. We are almost there. इसे चर्च में छोड़ना है और पहले जाके उस लड़की होटल जाके हमने अपना काम करना है मेरे ख्याल से फिनिश, और उस होटल में बॉम्ब लगाना है। वो बॉम्ब डॉन मोरेला, वो बॉम्ब कह रहा हूँ, वो होटल जो है वो डॉन मोरेला का है।
जो हमारे अगेंस्ट है। भाई ये मैंने देखो अभी तक रेडियो बंद नहीं किया, कोई कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। शिट नाइस नाइस नाइस। माल मस्ते ठीक है। ये रहा उसका होटल, होटल तो बड़ा शाइनी बनाया हुआ है, काफी बड़ा होटल है। हमारे पास चीजें काफी हैं। अंदर अंदर वापिस डाल ली। दरवाजा खोला। You behave yourself in here, okay? ठीक है। उसने कहा कि अपना जो है बिहेव करना, ज्यादा काम खराब ना करना। कह रहे तुम लड़की के लिए और यहाँ पीने के लिए, और यहाँ दोनों इकट्ठे चाहिए। ठीक है। वो कह रहा है कि लड़की के लिए और मुझे तुम्हारे मैनेजर के साथ भी कोई काम है। फाइंड द मैनेजर एंड फाइंड द मिशेल। ठीक है, मैनेजर को भी ढूंढना है और मिशेल को भी ढूंढना है पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब मुझे ख्याल से इन लोगों से पूछने पे ही मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, कि लड़की वहाँ पे भी बैठी हुई है। यहाँ से भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कह रही है कि मुझे मेरे लिए एक ड्रिंक बाय कर दो। टॉम इज सो सैवेज मैन। तो कह रहा है कि तुम वो नहीं हो जिसके मैं पीछे हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ड्रिंक बाय करके नहीं दे सकता। ये तुम्हारी तरह हैंडसम आदमी यहाँ क्या कर रहा है? वो बिजी है। वो कह रही है कि मिशेल ऊपर है। थोड़ा मिशेल का थोड़ा बहुत हिंट मिला है कि वो ऊपर है और बिजी है। ठीक है, इससे पूछते हैं। वो क्या है, अपने उसे नाम बताया कि मैं मिशेल से बात करनी है। ठीक है जी, उसने कहा जो लड़की है तुम देख रहे हो यही अवेलेबल है, ज्यादा शोर नहीं मचाओ। ठीक है, मैनेजर से पूछ। ठीक है, उसने कहा लाउंज के अंदर है। ठीक है, उसका तो पता चल गया, किल द मैनेजर। ठीक है, मैनेजर वो है, मैनेजर को बाद में मारेंगे, क्योंकि अगर मैनेजर को पहले मारा तो मिशेल को ढूंढने का मौका नहीं हमें मिलेगा। हम मिशेल को ढूंढ लें, मैनेजर का तो हमें पता है। ठीक है, रूम लेने आई थी, लेकिन उसने कहा कि जब तक तुम्हें एक लड़का मिलेगा तभी तुम्हें रूम मिलेगा। मेरे ख्याल से ये प्रोस्टिट्यूट यहाँ पे होती हैं लड़कियाँ। बड़ा गलत धंधा कर रहा है ये बंदा। हाँ ठीक है, जिससे पूछा है कि मिशेल अवेलेबल है या नहीं है। Let's see. She's in, but she's busy. कह रहा है कि वो यहाँ पे है लेकिन वो बिजी है। ठीक है। और आईडो उसने कहा कि वो यहाँ पे है लेकिन बिजी है। ठीक है, मुझे लगता है कि उसने वो सामने वाला जो है ना बुक वहां से वो देख के बताया कि वो यहाँ पे है लेकिन वो मिलने वाली नहीं। तो मेरे ख्याल से उसी बुक से जाके हम क्यों ना चेक करें, उस बुक से हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। पहले बैठ जा बैठ जा बैठ जा। शिट शिट शिट, पहले इसे टाइम आउट करना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। नाइस, ये तो डाउन हो गया, फैंटास्टिक हो गया। अब वो लिस्ट चेक करते हैं जाके मिशेल, यहाँ से उसने देख के बताया था कि वो यहाँ पे है। रीड नोट। ओके जी, मोरेलो पार्टी मिशेल रूम 208। ठीक है, ऑल डे। ठीक है, यहाँ पे लोगों के नाम लिखे हुए हैं मेरे ख्याल से, जो जो जिन जिन के नंबर नाम जो है रूम बुक है। तो मिशेल जो है 208 नंबर रूम के अंदर है, 208। और जी लेट्स गो, इसे ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हमें कुछ मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है ना। सर्च तो हम पहले ही कर रहे हैं। Is there anything available? No, nothing is available here. Let's get the heck out. Let's get the heck out of here, man. इससे पहले कोई देख ले और हमारा काम खराब हो जाए, ज़्यादा बेहतर है कि हम यहाँ से निकल जाए। ठीक है, 208 नंबर। तो निचले जगह पे तो बुकिंग होती है, तो यहाँ पे तो लोग हो नहीं सकते 100%। ठीक है, यहाँ पे ऊपर ही चेक करना पड़ेगा। ये 103 है, मतलब कि यहाँ पे बंदे नहीं होने वाले। ये 100 रूम है तो ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई रूम ही नहीं है तो और ऊपर जाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ये वाला यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ओके, 202 इस तरफ चलते हैं, इसी दवा पे 201 तक इस तरफ जा रहे हैं। 210 व्हाट द हेक, हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। शायद इसी फ्लोर पे ही उसका रूम होना चाहिए, क्योंकि 200 के रूम जो है
सीरियल नंबर का रूम यहाँ पे, हाँ 203 है यहाँ पे। ऑलराइट कीप गोइंग। 204, 205। ओह मैन, दे आर हैविंग और दे आर मेकिंग लव इनसाइड। 206। ओके जी, इस तरफ नहीं, इस तरफ जाना पड़ेगा, रास्ता मुझे याद रखना है। ठीक है, इस तरफ है। 207, ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने बना दिया। 208, वी आर ऑलमोस्ट देयर। नाइस, दैट इज द गैंगस्टर एंट्री। दरवाजा तो बंद कर लो, पूछ रहा है कि तुम मिशेल हो। कह रहा है सैम जो है तुम्हारा कोई रेगुलर था, ठीक है, ये एक प्रोस्टिट्यूट थी और इससे मिलने आता था वो। कह रहा है तुम्हें नहीं पता कि वो डॉल सैलरी के लिए बात करता था, हो सकता है कि वो अपने बिजनेस के लिए तुमसे तुम्हारे बात करता हो तुम्हारे सामने, और तुम डॉन मोरेलो को, वो डॉन मोरेलो को सारी जो है इन्फॉर्मेशन वो पास कर रही हो, और तुम्हारी वजह से डॉन, हमारे डॉन को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, माफी मांग रही, कहती दोबारा अपना मुंह नहीं खोलूंगी। कह रहा कि मुझे पता है। Why did you do that, then? पूछ रहा है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? कहती हाँ। कहता कभी बोलना ना कैसे महसूस होता है डरना। कहता कि तुम्हें पता होना चाहिए कि सिर्फ एक बुलेट दूर हो तुम्हारे सर में सुराख हो जाएगा। अगर हमें पता चला कि तुम इस टाउन में दोबारा वापस आई हो तो तुम्हारे सर के दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। क्या तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है? कह रही हाँ आ रही है। Lucky for you, Sam's got a big heart. कह रहा कि तुम लकी हो कि सैम का दिल बड़ा है, उसे पैसे दे रहा है जो सैम ने हमें पकड़ाए थे। ठीक है, इसे भी बता दिया हमने। उसने कहा कि कपड़े पहनो और यहाँ से निकल जाओ, ये जगह जल्द ही उड़ने वाली है। मतलब ठीक है, उसने हमारा शुक्रिया अदा किया और टॉम ने उसे बोला है कि दोबारा वापस इस जगह पे कभी नहीं आना इस इलाके में। ठीक है जी, ये मिशन तो कंप्लीट हो गया, अब जो रह गया हमने मारना है मैनेजर को, उड़ाना है यहाँ के। लेट्स गो किल द मैनेजर मैन। ओके, नीचे जाना पड़ेगा। अब बड़ा फंडा फैलने वाला है यहाँ पे, मुझे लगता है कि फंडा फैलने वाला है क्योंकि उसे मारना इतना आसान होने वाला नहीं है। अच्छा मैं पहले चेक कर लूँ यहाँ पे बुलेट्स कितनी। ओह 40 बुलेट्स है, नाइस। शॉटगन भी है, मेरे ख्याल से हम मैनेजर को शॉटगन के साथ ही उड़ाएंगे। हमने मैनेजर को इस तरफ देखा था, यहाँ पे क्या है? ओह देयर इज द फर्स्ट एड देयर। ओके, ये रिमेम्बर रखनी है, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो फर्स्ट एड यहाँ से लेके हम यूज कर सकते हैं। मैनेजर उसने कहा था यहाँ पे, वो रहा मैनेजर सामने। हम इस तरफ से चलते हैं आराम से, अभी उसे नहीं पता हम क्यों आए हैं यहाँ से। ओके जी, आर यू गाइस आर रेडी, लेट्स गो। ओके जी, ओके ओके ओके, नाइस। ऑलराइट जी, ओह नाइस, मरे नहीं क्या? अच्छा एक बंदा इस साइड पे था कि नहीं था? रीलोड कर ले, रीलोड कर ले, रीलोड कर ले। फैंटास्टिक मैन, नाइस रीलोड, नाइस रीलोड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है? मैंने कहा चेक करते रहते हैं ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एमओ वगैरह कुछ भी मिलेगा हम यूज कर सकते हैं फिलहाल। ओ वो एमओ पड़ी है, ठीक है, एमओ तो मैं डेफिनेटली वो लेने वाला हूँ। अच्छा यहाँ पे अभी वो कवर ले रहे हैं, मैं इस साइड पे जाता हूँ फिलहाल। ओके एमओ पकड़ लिया मैंने, नाइस हो गया। एमओ में बस इतनी ही कैरी कर सकता हूँ, ज्यादा एमओ कैरी भी नहीं कर सकता है। ठीक है, बाके 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 इसके पीछे कवर लेते हैं, नाइस हो गया। इसके कुछ कुछ अभी तो कुछ नहीं है। बाग 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 बाग, ओ यहाँ रहे, यहाँ रहे। राइट ऑन द फेस, क्लोज रेंज पे, नाइस यार। शॉटगन तो बड़ी डेविस्टेटिंग है। ओहो, अच्छा इस रेंज पे मुझे यूज करना चाहिए पिस्टल, यूज करना चाहिए रिवॉल्वर जो होता है। पावर तो मेरी फुल है, यहाँ पे कहीं नहीं थी, हाँ यहाँ पे कहीं पावर थी, लेकिन पावर अभी मैं यूज कर ही नहीं सकता है, यहाँ पे जाने का फायदा नहीं है। अपना रिवॉल्वर फिलहाल पकड़ लेते हैं, यहाँ पे क्लोज रेंज फाइट होने वाली नहीं है। शिट शिट शिट, यू इडियट। ओहो, अबे ओ
निकलने वाला है, यहाँ से निकलेगा। ओ राइट ऑन द हेड। कवर, यहाँ से ऊपर जा, ऊपर गया, ऊपर गया, इसे छोड़ दे। अभी मेरे पास है पावर, पावर इतनी है कि मैं अभी निकल सकता हूँ। टुगेदर क्या, टुगेदर क्या, हाँ अकेले अकेले ही मरोगे तुम लोग सारे। ये तो फिलहाल मैं अकेला, इससे पहले मारना जरूरी है ये सामने। नाइस, यहाँ पे कोई और भी है। फ्लोर मुझे सारे चेक करने, ओ ये इनोसेंट है, इसे नहीं मारना। एक शॉटगन, शॉटगन, अच्छा शॉटगन मैं पिक नहीं कर सकता क्योंकि शॉटगन की एमओ इतनी ही कैरी कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं शॉटगन ही यूज करूँ। अच्छा यहाँ पे पावर नहीं है, नो प्रॉब्लम। राइट नाउ वी आर गुड मैन, वी आर गुड टू गो राइट नाउ। चलो मैंने इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे, नाइस यू इडियट्स। ऐसे ज्यादा बेहतर है, पिक करो और मारो। लोड अप, लोड अप, ओह मैन इट्स टेक्स टाइम टू लोड। नाइस, ये भी गए, नाइस हो गया। इस तरफ से चलते हैं, कोई पावर, ओ ये रही हेल्थ रही, यूज इट, नाइस हो गया, ये परफेक्ट हो गया। अच्छा उस तरफ जाना हमने, यहाँ पे भी नहीं है, कुछ भी नहीं यहाँ पे है। मेन के सारी चीजें चेक करता जा रहा हूँ कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरफ से आ गए हम, यहाँ पे कुछ है क्या? और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा हमने सामने भी जाना, यहाँ पे कुछ है क्या ऐसा? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पहले कोई पैकिंग करके दौड़ने की तैयारी में यहाँ से। हाँ नाइस नाइस, मैंने कहा थोड़ा सा रीलोड भी मारते रहे, काम चलता रहेगा। बैट कहाँ रहे हो? ओह फैंटास्टिक मैन, ये ले, इसके पीछे ही होना चाहिए से, यार नजर भी नहीं आ रहा ये बंदा। भाग भाग भाग, नाइस हो गया। अबे तू इतना करीब है मेरे, ओ टॉमी गन, टॉमी गन, दिस इज नॉट फेयर। ये ले इधर से यार, इधर तो एक एक शॉटगन का एक ही फटका पड़ना चाहिए इधर से। तो टॉमी गन पकड़ूंगी आप, ओ टॉमी गन भी पकड़ लेते कोई बात नहीं है, ऑटो है और ये बेहतर रहेगा क्योंकि दूर शॉटगन जो है वो लॉन्ग रेंज के लिए काम नहीं कर रही, क्लोज रेंज पे तो वो फैंटास्टिक काम कर रही है। ये जगह तो क्लियर है, यहाँ पे पावर भी नहीं है लेकिन हमारे पास अभी फिलहाल पावर है। We have to run, take cover. This is how it works, man. Open it. Not what it looks like. कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, जैसा ये दिख रहा है मेरे भाई ये वैसा ही लग रहा है। रोमांटिक सिस्टम चला रहा है यहाँ पे बैठ के। हाँ देखा ये चीजें पकड़ते हैं, ठीक है। द फॉलो पैटर्न्स मे बी ऑफ इंटरेस्ट, आई हैव देयर डिटेल्स शुड यू नीड देम, सर्वाइवल सिटीज, नो ओके जी। ये उनकी डिटेल वगैरह और टैक्स वगैरह वो जो पे कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे ये भी पकड़ते हैं, जो जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो पकड़ लेते हैं। अच्छा जी ये भी पढ़ते हैं, पकड़ते हैं, पढ़ते हैं। डियर मिस्टर क्लोटी, ठीक है जी, आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर मिसिंग आवर रेगुलर अपॉइंटमेंट लास्ट वीक, आई हैड अर्जेंट फैमिली मैटर्स टू अटेंड टू एट शॉर्ट नोटिस। वो जो उसके साथ अपॉइंटमेंट थी वो उसने मिस की है। लेटर टू फ्रैंक, फ्रैंक के साथ इसने लेटर लिखा हुआ था, ठीक है फ्रैंक को, सही है। तो इसका कोई फैमिली मैटर था जिसमें जो इसने अटेंड करने थे। इट इज विद सम रिग्रेट दैट आई वाज, आई ट्राइड टू कंफर्म दैट टर्मिनेशन ऑफ आवर एग्रीमेंट। तो उसे ये परेशानी हो रही है कि वो ये एग्रीमेंट अभी फिलहाल के लिए कैंसिल कर रहा है, उसे बुरा लग रहा है। मिस्टर सैलरी हैज बीन अ वंडरफुल बिजनेस पार्टनर ओवर द ईयर, के मिस्टर सैलरी जो है वो हमारे जो काफी सालों से अच्छे बिजनेस पार्टनर है। आई मस्ट ग्रेटफुल फॉर हिज सपोर्ट एंड योर वाइज काउंसिल, ठीक है, ठीक है। ये बंदा जो है हमारे ही कारोबार से मुतल्लिक वाला बंदा है। अच्छा यहाँ पे बॉम्ब लगा रहे हैं इसे उड़ाने के लिए, ठीक है। ये तो डन हो गया। ओह नो, पुलिस भी आ गया वहां पे, इतना हल्ला गुल्ला किया था तो पुलिस तो 100% आनी ही आनी थी। शिट, नाउ वेयर वी गो नाउ, खिड़की से, क्लासिक क्लासिक वे टू गेट आउट। ओ नहीं, जंप करना पड़ेगा।
ये जंप मुश्किल होने वाला है। अगर तो पीछे से भाग के जंप किया जाए तो वो आसान है, ऐसे जंप करना थोड़ा टफ है। लेट्स हाउ ही डू इट। ओम ने हमारी मदद कर दी, उसके वो एक्सप्लोड हुआ है, उसके धमाके की इतनी दमक से हम इधर आ गए प्रेशर की वजह से। वे हैव टू गो नाउ। ठीक है, मेरे ख्याल से हमें पिस्टल जो है वो हाथ में कर लेना चाहिए फिलहाल। अबे भाग क्यों, क्या 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 बकवास है, भाग क्यों नहीं रहा ये बिल्कुल बकवास है यार। मैं इधर भागता हूँ उस तरफ निकल जाता है। Where the heck were they? Oh man, look at my power man, मेरे पास इतनी पावर ही नहीं है। इन्हें मारना पड़ेगा वरना ये पीछे से मुझे और गोलियां मारेंगे। नाइस, ये तो मारेंगे। पूरे शहर की पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। वैसे तो 7 मुल्कों की पुलिस हमारे पीछे है, लेकिन ड्रोन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दौड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो पावर नहीं है यहाँ पे। पावर पकड़, पावर पकड़। नाइस, हो गया, फैंटास्टिक हो गया। कहाँ पे है ये? अच्छा यहाँ पे भी है, मारना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे भी है। नाइस, आई हैड टू डू इट मैन, आई हैड टू डू इट, अदरवाइज दे विल किल मी। देयर इज नो अदर वे, इट्स देम और अस। रन फॉर द कवर मैन, रन फॉर द कवर, मोर। थोड़ा मूव करना पड़ेगा इसे इधर से। फैंटास्टिक गाइस, नॉट डेड नाउ, आई एम डेड व्हेन आई से आई एम डेड। लेट्स गो, इट्स क्लियर ऑलमोस्ट। तेरी तो जंप ऊपर से। ओह वे, आई हैव टू टेक कवर हियर। नाइस, मैं ऐसा करना नहीं चाहता। नाउ इट्स कम टू दिस पॉइंट नाउ। अबे अबे, मूव करते हुए गोली चलाने में ज्यादा फायदा होता है क्योंकि आपको लगती कम है, गोली लगने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए अगर आपका निशाना अच्छा है तो मूव करते हुए हमेशा गोली चलाएं। नाइस, ओह बड़े क्लासिक सीन आ रहे हैं इसमें, क्योंकि पुरानी गेम पुराने दौर पे थोड़ी आधारित है और पुराने दौर पे ये सिचुएटेड है। नाइस मैन, सही पता चल रहा है कि जैसे कोई गैंगस्टर लीव करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से पावर भी सामने पड़ी है, लेकिन पावर उन्होंने ऑलरेडी नेक्स्ट सीक्वेंस में हमारी अपग्रेड कर दी है। ठीक है, उन्होंने हमें खो दिया है, कोई कॉन्टैक्ट वगैरह उन्होंने मिल रहे, जितने भी थे हमने मार दिए। एस्केप द चर्च, हम चर्च में आ चुके हैं। ठीक है, असल में हमारा प्लान वहाँ से निकलने का ही था, लेकिन पुलिस के आने की वजह से हमें ये प्लान बी जो है ये अपनाना पड़ा। असल में कोई प्लान बी था ही नहीं। जब सर पे कोई बंदूक ताने खड़ा हो तो प्लान खुद ब खुद बन जाते हैं। No matter how far we've fallen, we can find redemption in death. हम उसी जगह आ गए जहाँ उसे छोड़ा था सैम को। ये उसी बंदे का फ्यूनरल है जिसे मारा था पोली ने। ओह मैन, व्हाट आर द ऑड्स, घूमते घुमाते हम उसी जगह पे आ गए हैं। एंड नाउ आई बिलीव शिट मैन, वो देखा अभी उसे पता चला है बिली का, तो वो जो उसका दोस्त है कुछ कहना चाह रहा है। यही दोस्त है जिसे हमने मारना है, जिसे सैम यहाँ पे मारना है, आना चाहता है। ये सैम को इधर ही छोड़ा था कि इसे मार दे। कि पुराने दौर में डिजिटल मीडिया तो नहीं होता था, अगर किसी ने पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कह रहा मैंने कभी कहा नहीं है कि तुम मेरे दोस्त मेरे भाइयों की तरह हो, जो मर गया उसे वो बता रहा है। वो उसने पहचान लिया है, वो कह रहा है कि इसने बिल्ली को मारा था। शेड, ओह मैन, पॉली किस चक्कर में बता दिया। दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, इधर इधर। ओ उसकी उसकी बॉडी के पास बैठ के हम लड़ रहे हैं। नाइस,
ओहो मोली फेंकना चाहता वो उसके ऊपर ही गिर गई है। टाइम टू गो इससे ऊपर से चलते हैं, उसे मारना पड़ेगा। सैम कहाँ है यार? सैम को नाइस, मैं हेडशॉट ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पिस्टल तो बहुत ज्यादा टाइट है। नाइस, तुम कुछ दिनों पहले ये सारा कुछ रोक सकते थे। कैसे रोक सकता था मेरे भाई, हमने रोकने की तो बड़ी कोशिश की है। ओह पावर नाइस, पावर नहीं कभी भी छोड़नी, पावर हमेशा लेनी है। नाइस, हमें मिल गई है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है कि टॉमी गन पकड़ी जाए। ठीक है, इधर से निकल सकते हैं हम। नाइस, मैं ज्यादातर हेडशॉट ही कर रहा हूँ कि मेरी कुछ एमो जो है वो बचे, लेकिन मुझे ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि रन। और वो भाग रहा है क्या? जल्दी, अच्छा यहाँ से नहीं, इस तरफ से निकलना है। अरे आप, मैं हम ऊपर नहीं, ऊपर थे तो ये नीचे थे तो वो ऊपर था, अब ऊपर आया तो नाइस। What have you done? Murder in the house. उसने कहा कि तुमने गॉड के घर के अंदर तुमने मर्डर कर दिया। टॉमी बोल रहा है कि ये लोग क्रिमिनल थे, चोर थे, रेपिस्ट थे। Killers. वही कह रहा है कि मर्डर थे, वही सेम चीज बोली उसने। तुम्हें क्या लगता है कि गॉड उन्हें माफ कर सकता था? इनमें से किसी ने हो सकता है कि एक जिंदगी बचा सकते थे तुम लोग? वो कह रहा है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं करता। बिली बोल रहा है, बिली का दोस्त बोल रहा है, जॉनी नाम है इसका, ठीक है। कह रहा है अगर तुमने कुछ भी कहना है तो कह लो, तुम मरने वाले हो। अब वो माफी मांग, मेरे ख्याल से छोड़ने वाला है हमें। ओ नहीं, वो बदले के लिए जा रहा है। नाइस, वेयर वर यू सैम? अभी आया। ओ, उसने इस दफा एक और गोली उसके सर में डाल दी है, जस्ट टू मेक श्योर। ठीक है, सैम कह रहा है कि अब बराबर हो गए हैं। लुक एट हिज फेस सेकंड टाइम, ही स्टन्ड। उसे पैसे दे रहा है, कह रहा है कि तुम्हारी मुश्किल के लिए। प्रीस्ट बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, खून से लथपथ पैसों की। वो कह रहा है कि तुमने उनका पैसा भी तो लिया है, तो वो भी तो ऐसे खून से कमाया हुआ पैसा ही है, तो जहां मैं खड़ा हूं मुझे कोई डिफरेंस नजर नहीं आता उनके पैसे में और हमारे पैसे में। सैम उसे बोल रहा है कि जब पुलिस वाले आएंगे तुम उन्हें कहना कि जिस गनमैन ने किया है वो ईस्ट कोस्ट एक्सेंट था, उनका बोलने का अंदाज ईस्ट कोस्ट की तरह था और वो आउट ऑफ टाउन की तरह थे। प्रीस बोल रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। ठीक है, उसने कहा मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा लेकिन कुछ बताऊंगा भी नहीं। सैम उसे अब धमकी दे रहा है कि बहुत गलत बात होगी अगर हमें वापिस आना पड़ेगा, मतलब कि वापिस आए तो तुम्हें भी मार सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने पहचान लिया था इसलिए सैम। ओ, पुलिस भी है, शिट, को पुलिस आ रही है। लेट्स गो मैन, वी हैव टू गो, हरी आप मैन, देखो ना किल्मी, शिट, नाइस। उसने एक को लगा दिया पुलिस वाले को, इधर से इस तरफ हो जाए, इस तरफ से ले लेते हैं। फैंटास्टिक, अबे ओ क्या कर रहे हो तुम लोग? कहाँ से चले? इस तरफ चले आगे। ओ ठीक है, आगे वो लगा हुआ है, उनका पहरा लगा हुआ है, अगर इससे तोड़ दें तो कुछ ना कुछ पुलिस तो इधर से ठहर ही जाएगी। हाँ नाइस, मैंने थोड़ा भगा के किया ताकि निकाल ले, हमारी गाड़ी स्टॉक हो गई है। नाइस, भगा। जगह जगह पे मोर्चे लगे हुए हैं जो हमारे लिए बड़ी मुश्किल की बात हो रही है। इस ब्रिज के ऊपर चलते हैं। घुमा, पीछे हट जाओ। ओ लेडी, पीछे हट जाओ, पीछे 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 पीछे।
Get out of the way! Get out of the way! तो यहाँ से वो आगे भी है ठीक है, ये हमें तोड़ना पड़ेगा। और यार I'm trying my best. Nice. ये अच्छा यहाँ पे लगा हुआ था पैरा, शायद यहाँ पे आगे पुलिस हमारे पीछे आ तो नहीं रही फिलहाल। कहाँ गए? ओह एस्केप कर गए। एस्केप द सैलरी विद सैम ठीक है। सैलरीज मतलब सैलरीज की जगह है ये, जो एरिया है ये हमारा ही है, तो ये हमें एस्केप करना पड़ा है। जगह एस्केप तो हम कर चुके हैं उन्हें, लेकिन अब हमें ये जगह लीव करनी पड़ेगी। पुलिस से तो हमने जान छुड़ा ही ली है। वी हैव टू बी केयरफुल ठीक है। उन्हें खो तो दिया लेकिन अभी भी वो हमारी तलाश में है उस साइड पे। पुराने दौर में ये चीज़ें थोड़ी आसान थी, हाँ इस दौर में लीव करना कैमरा हर चीज़ बहुत ज़्यादा टफ हो गया इस दौर में। लेकिन थीफ भी और मर्डरर भी उतने एडवांस हो गए हैं। टेक्नोलॉजी अगर हेल्प करती है तो टेक्नोलॉजी हेल्प करती है बोथ वेज, क्राइम को भी, क्रिमिनल को भी हेल्प करती है और क्राइम को रोकने वालों को भी हेल्प करती है। सो दैट मेक देम इवन एज वेल। ओके जी आई हैव टू स्टॉप दिस रेडियो राइट नाउ। तो हमने सेकंड टाइम जो है सैम का फेस टर्न देखा है। अभी ये सोचना शुरू हो गया कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जिस जिंदगी में हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी फीलिंग के तौर पे कह रहा हूँ कि वो इस काबिल भी है या नहीं है, ये लाइफ इस काबिल भी है कि नहीं। मुझे लगता है कि ये सोचता है कि मैं रॉन्ग प्लेस पे हूँ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। अब ये रिग्रेट कर रहा है इस पेशे के अंदर आकर। सैम कह रहा है कि तुम भी मेरे लिए ऐसा ही करते। कहते हैं जब तुम करीब आ जाते हो मरने के, यानी कि तुम्हें कोई बाइट करने वाला होता है, तो फिर तुम्हें फील होता है। टैम ने कहा कि जो बेहतर जिंदगी का लेसन मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो यही है कि किसी चीज के बारे में मत सोचो ठीक है। इंटरमीडिएट 1938 पुलिस वाला को कहानी शुरू से सुना रहे थे पहले एपिसोड से, तो वो कह रहा है कि तुमने अभी के अभी शूट आउट कन्फेस किया है कि तुमने जो चर्च के अंदर किया है, तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हें अभी के अभी जेल में फेंक सकता हूँ इसलिए। तो हम कह रहा है कि अगर तुमने मुझे अभी जेल में डाल दिया तो मैं मुरैलो के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। वो कह रही है कि मेरी एक नई शिफ्ट स्टार्ट हुई है, तुम्हें क्या चाहिए? उसने और खाना ऑर्डर कर दिया और कह रहा है कि और कॉफी ले आओ। कह रहा है कि दो कप काफी से काम नहीं चलेगा। उसने कहा पूरे का पूरा पॉट ही ले आओ। कह रहा है तुम इस जगह पे आ ही गए तो चर्च से तुम्हें कौन सी हीट तुम्हारे पीछे लगी, यानी कि कौन से मसले और बड़े? कह रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि टॉम कह रहा है कि मुझे लगता है कि सैलरी ने सबको पैसे दे के उनका मुंह बंद कर लिया था, क्योंकि जो भी चर्च में हुआ था वो अखबार में नहीं आया ठीक है। वो कह रहा है कि कॉप जो है वो बार में आते रहते थे सिर्फ हमें रिमाइंड करने के लिए कि वो ध्यान रख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं हमारे लिए। तो ये कह रहा है कि जब मुरैलो का ऑफिस चेक किया था वो ईयर उसके लिए बहुत अच्छा साल था, यानी कि वो साल कुछ ना कुछ खराब चल रहा था। तो वो पुलिस वाला बोल रहा है कि तुम्हें नहीं पता चल रहा। कहता नहीं, पॉली को कुछ स्मेल हुआ, पॉली को ऐसे लगा कि कुछ ना कुछ खराब चल रहा है। कहता जब डोन हो ये मसले हमारे सुधारने में लगा हुआ था, जो पुलिस हमारे पीछे लगी हुई थी, तो हम यानी कि साथ खेलते थे, एंजॉय करते थे, और जब भी सैलरी की जगह पे मैं जाता था तो मैं सारा सारा से मिलता था, क्योंकि इसका और उसका अच्छा खासा रिलेशन बन चुका है सारा का रिश्ता। शी इज ऑफिशियली टॉमी बाइज गर्लफ्रेंड राइट नाउ। ही सेड इट्स ऑल स्ट्रेट। देयर इज अ लॉट ऑफ बज़ अराउंड टाउन अबाउट यू गाइस। या वी गॉट इनटू अ लिटिल स्क्रैप। और फिर पास्ट में आ गए हैं, वो स्टोरी सुना रहा है। फ्रैंक कह रहा है कि तुम्हारे बारे में बहुत बातचीत चल रही है इस टाउन के अंदर।
कह रहा मुझे परवाह नहीं कि तुम करते क्या हो, परवाह मुझे तब लगती है कि वो दिखता कहती है जो तुम करते हो, जब तुम बार के अंदर जाके तुम सबको खरीदने की कोशिश करते हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे वॉल स्ट्रीट लोगों की तरह बनाना चाहते हो? फ्रैंक बोल रहा है कि मैं तुम्हें इस रस्सी के बारे में सही बताना चाह रहा हूँ ताकि तुम उससे जकड़े ना जाओ, पकड़े ना जाओ। अपने 8 or 9 साल की बता रहा है, ठीक है। Fastest dog you've ever seen. Oh. That's how I met the Don. We started setting up races together. Betting on it with coins and rifle shots. अच्छा ये Don का इसका तलक बड़ा पुराना है, इसमें बहुत पुराना डॉग, यानी कि इन्होंने दोनों मिलके ही शर्तें लगाते रहे, पहले कुत्तों पे फिर रेस पे, ये दोनों मिलके ही शर्तें लगाते रहे हैं। We were only out the pocket knife, but I never saw the Don so angry. She got old on you? No. कहता क्या वो बूढ़ी हो गई थी? कि प्रेग्नेंट? She went into heat, got out of the yard, and every dog in town had a turn. वो लड़की कुत्ता नहीं, वो लड़की के बारे में बात कर रहा है यार। कह रहा है तुम भी उस लड़की की तरह हो, जब भी तुम पैसा दिखाते हो तो हर कोई टाउन के अंदर तुम्हारे पीछे लग जाता है, यानी कि जैसे वो लड़की के पीछे लग गए थे तुम्हारे पीछे भी लग गए थे। यानी कि वो फ्रैंक को बताने की कोशिश कर रहा है कि जब अगर तुम्हारी सही से वाट लग गई तो तुम हमारे किसी काम के नहीं रहोगे, मतलब हम तुम्हें भी अपने रास्ते से हटा सकते हैं। तुम बोल रहा है कि हाँ तुम्हारे पॉइंट का मुझे पता चल गया, ठीक है। वो पॉली के बारे में बता रहा है कि पॉली सही है, हम जाते हैं कि ये बंदा वो लड़ता लुड़ता रहता है लेकिन वो इतना अकलमंद नहीं है, तो सैम जो है उसका इतना विजन नहीं है कि वो इस चीज को आगे लेके बढ़ सके। और टॉमी को वो बता रहा है कि तुम एक दिन डॉन की जगह ले सकते हो, टॉम उसे अप्रिशिएट कर रहा है। वो कह रहा है कि डॉग के साथ क्या हुआ, यानी कि वो लड़की के साथ, डॉन ने उसे डुबाने की कोशिश की और इसने उसका नाक तोड़ दिया डॉन का। You can let me off here. कह रहा कि मुझे इधर छोड़ दो, ठीक है जी। यानी कि वो ये भी बता रहा है कि रिलेशन रखना अच्छी बात नहीं है। What? इसे भी सारा के बारे में पता है कि हमारा सारा के साथ रिलेशन है, तो ये भी अच्छा। इनडायरेक्टली वो ये भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे मेरी जो है गर्लफ्रेंड है उसे बॉस ने डॉन ने मारने की कोशिश की थी, तुम्हारे ऊपर भी ये चीज आ सकती है, अगर तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की तो वो भी साथ ही पिसी जाएगी। और ध्यान रखना, ठीक है। फ्रैंक कह रहा है, फ्रैंक ने हमें बुलाया, उसने कहा है कि गैराज के अंदर जो है इंतजार करूं हम फ्रैंक का। कह रहा कि सारा जो है कुकिंग कर रही है और वो कुछ लेके आ रही है। कह रहा कि इस इतनी बड़ी रेंज में, रेन में, बारिश में, वो कह रहा है वो एक अच्छी लड़की है, ठीक है जी। अभी हमें फ्रैंक से मिलना है जिसने हमें कहा है कि पीछे गैराज में वेट करें हम उसका। Let's go जी। आगे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अच्छा गैराज में वेट करने के लिए बोला है इसलिए हम वेट कर रहे हैं। आ गया फ्रैंक। अच्छा उसके बार के पीछे ही इनका अड्डा है सारा। थैंक्स फॉर वेटिंग डॉन। ठीक है। डॉन एंड आई हैड टू गो ओवर लास्ट मंथ्स नंबर्स अगेन। ठीक है, उसे पिछले महीने के काम के लिए फिर जाना चाह रहा है। कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सैम और पॉली की हेल्प करो, आज रात को कोई आ रहा है, स्कैंडा से कोई आ रहा है। कह रहा है तुम्हें मुझे किस चीज के लिए जरूरत है, ठीक है। करेगा फ्रैंक, सैम जो है लोगों से मिलेगा। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, आई हैव टू लिसन टू देम। ओके ओके जी। गेट द कार फ्रॉम राफी, मीट पॉली एट द वेयरहाउस, ही हैज गॉट हीटर्स इन केस यू रन इनटू एनी ट्रबल। ऑलराइट फ्रैंक, नो प्रॉब्लम, गुड। नाउ ब्रिंग द कैनेडियन होम सेफ टॉमी, देयर इज ऑलरेडी अ केस इयरमार्क्ड फॉर द डॉन। कंसीडर इट डन, ठीक है। इसने जो बोला है, इसने कहा कि सैम जो है वो ख्याल रखेगा उन लोगों का और तुम पॉली जो है वो यानी कि ट्रक के ऊपर ध्यान रखेगा। तुमने आगे जाके उस कैनेडियन को जो आया उसे अपने साथ लेके सेफ तरीके से इधर लेके आना है, ठीक है जी। पूछ रहा है कि तुम लेट काम कर रहे हो, ठीक है जी।
Rafi बोल रहा है कि जब फ्रैंक सोता है तो जब तब ही मैं सोता हूँ, तो फ्रैंक बोल रहा है कि Rafi बोल रहा है कि वो बहुत ज्यादा काम करता है. Gotta stay ahead someplace. Ah, well, I just fixed the cars to Tom. I changed the plates again. उसने अभी गाड़ी फिक्स कर दी है. See you tomorrow. ठीक है, उसे कह रहा है कि तुम, ये बंदा अच्छा फील होता है, यानी कि अच्छा बंदा है. Alright guys, I'm gonna end this episode 4 of Mafia 1 Definitive Edition here. उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. उसी के साथ साथ अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, माहौल को साफ रखिएगा. नेक्स्ट एपिसोड में हम सैम और पॉली के साथ जाके कनेडियन को यहाँ लेके आएंगे ताकि वो डॉन और फ्रैंक के साथ बैठ के बिजनेस की बात कर सके. टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एज ऑलवेज.